बंगरटा के महादलित रास्ते के लिए भटक रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड के अंतर्गत बंगरटा पंचायत स्थित बंगरटा के महादलित मनोज साफी के पत्नी कंचन कुमारी घर से बाहर निकलने के लिए रास्ते के लिए परेशान है। उन्होंने बताया कि मेरे पड़ोसी बिरजू राय रास्ता बनाने नहीं दे रहा है, रोक रखा है। प्रखंड से अंचल से लेकर जिला तक शिकायत कर चुका हूँ, परंतु अधिकारी सुधी नहीं ले रहे हैं। इसी से आक्रोशित होकर महिला ने बिरजू राय के विरुद्ध शिकायत की है कि बिरजू राय पंचायत रोजगार सेवक के पद पर रहते हुए शिक्षक के पद पर भी योगदान कर सरकार के साथ धोखाधड़ी किया है और बिरजू राय का बिहार के अलावा चंडीगढ़ में भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा कर सरकारी लाभ लेने का काम किया है। इसके द्वारा रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी से भी इस बात को लेकर शिकायत किया गया तो अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा ने भूमि सुधार समाहर्ता रोसड़ा को जांच करने का निर्देश दिए थे। तत्पश्चात भूमि सुधार उप समाहर्ता रोसड़ा अमित कुमार ने ज्ञापांक 45 दिनांक 4 सितंबर 2023 को बिरजू राय से स्पष्टीकरण किए थे कि 28 दिसंबर 2011 से 7 जून 2017 तक पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत रहे और 5 सितंबर 2014 से अद्यतन उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंदा कॉलोनी में शिक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए हाउस बोर्ड द्वारा फर्जी गिरी कर मकान लिए हुए हैं। जबकि संदर्भ को लेकर बिरजू राय से रास्ते को निर्माण करने से अवरुद्ध करने की बातें पूछा गया तो वह बताया कि मेरे घर से आगे तक मिट्टीकरण हो गया है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दो दो नौकरी के बारे में बताया गया। यह मैटर सरकारी कार्यालय का है, वहाँ चल रहा है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। फिलहाल मैं शिक्षक हूँ। बताते चले कि उच्च अधिकारी के द्वारा जांच करने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है कि पीड़ित महादलित महिला का शिकायत सही है या बिरजू राय का कहना सही है। वैसे वार्ड सदस्य अरविंद सिंह भी आरोप वार्ड सदस्य ने इन्हीं पर लगाया है बिरजू राय पर, तो सड़क निर्माण करने में यह जो है सो अवरुद्ध करने का काम करते हैं। सर महादलित परिवार से हैं, रास्ता नहीं बनने देता है। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। कहाँ घर हुआ? बंगराटा। वार्ड नंबर कितना है? 13। ये कौन ब्लॉक में है? सिंगिया ब्लॉक में। सिंगिया में कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? सब सर के दिए हैं। किसको किसको? डीएम के दिए हैं। ब्लॉक स्तर पर दिए हैं, समस्तीपुर दिए हैं, सबको दिए हैं। समस्या क्या है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये, रास्ता नहीं बनने देता है। बिहार सरकार की जमीन है, रास्ता नहीं बनने देता। हम लोग गरीब परिवार से हैं और दमंग सब है, बोले हम नहीं बनने देंगे रास्ता। वो कौन आदमी है जो बनने नहीं दे रहा है? बिरजू राय है। बिरजू राय बोल रहे हैं हम नहीं बनने देंगे रास्ता। कहाँ का ये बिरजू राय? बंगरटा। क्या करता है वो? रोजगार सेवक है। रोजगार सेवक है या शिक्षक है? शिक्षक है, रोजगार सेवक भी है। एक ही आदमी दो दो नौकरी कर रहा है? दो दो नौकरी कर रहा है सर। और इसी मामले में आप आवेदन दिए हैं? हाँ, इसी मामले में दिए। कितने दिन पहले से आवेदन कर रहे हैं आप? 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से? अब तक न्याय नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला। सड़क भी नहीं बना? सड़क भी नहीं बना। उसमें कुछ योजना वगैरह का प्रावधान था? योजना था सर, उसमें भी काम नहीं हुआ? उसमें नहीं काम, 5 लाख रुपया आया था सर रोड के बनने के लिए। अगल बगल में और दूसरे कोई दिक्कत नहीं देते हैं उस रोड को रोकने के लिए? सब सहयोग करते हैं कि बनना चाहिए, लेकिन वही एक व्यक्ति है ना, सो नहीं बनने देते हैं। और जो 2-4 आदमी है दमंग, उसका साथी, मतलब उसका साथ में जो है, हाँ, उसके घर के पास ही नहीं बनने देता है? क्या? नहीं बनने देते हैं। क्या कहता है, उसका कहना क्या? बोल रहे हैं हमारा जमीन है, हमारा लिखित है, हम नहीं बनने देंगे, यहाँ बिहार सरकार का नहीं है। तो अमीन या सरकारी स्तर पर जो जांच पड़ताल की गई, अमीन के द्वारा नापी किया गया होगा, तो उसमें क्या किया गया? सर नापी करके गए तो बिहार सरकार बता रही है, बोले हैं बन जाएगा रोड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोला है नहीं फिर से नापी कीजिए, फिर से कर दिए, मतलब बदमाशी बतिया रहा है। अब तक आप लोग को न्याय नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। अभी न्याय की आस में आप चारों ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं? अभी सर लोग के दिए आवेदन 3 साल से कर रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिला है। बड़ी अधिकारी से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम यही मांग करेंगे कि मैंने उसका जो गलती है, गलती की कड़ी सजा मिले और मुझे रास्ता होना जरूरी है। आप जो बोले कि एक ही आदमी रोजगार सेवक भी है और शिक्षक भी है,
क्या हाँ, एक ही टाइम में दोनों नौकरी वो कर रहा था क्या, दोनों पेमेंट ले रहा था? हाँ, दोनों पेमेंट भी ले रहा था, एक तो चोरा किए थे और रोजगार से तो ओपन था कि मतलब यही नौकरी कर रहा है, लेकिन शिक्षक बने हैं शिक्षक, मतलब चोरा किए हैं नौकरी, कोई नहीं जानते थे। रोजगार से वक्त कहाँ थे पहले? पहले हसनपुर में थे। अच्छा, हसनपुर में। और शिक्षक कहाँ थे? शिवाजी नगर में बोल रहे। अभी भी शिवाजी नगर में ही है? तो क्या शिवाजी नगर के शिवाजी नगर मंदा कॉलोनी में सर? मंदा कॉलोनी में जी। मिडिल स्कूल है क्या? सहायक शिक्षक है। तो इस मामले में अब तक आप लोग को कहीं से कोई न्याय नहीं मिला है? कहीं से नहीं मिला। तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है अब तक क्या? हम सब जगह गए हैं लेकिन कोई रिप्लाई उधर से नहीं मिला है सर लोग इधर से। हम महादलित कौन समुदाय? धोबी है सर। धोबी। और एक चीज और है कि इस घर में इसका मकान है बिहार सरकार के हाउसिंग बोर्ड के, बोल रहे हैं वही ले रखा है। इसका मतलब एक ही आदमी के दो नागरिकता है जी। एक बिहार के समस्तीपुर के सिंगिया ब्लॉक के बंगराटा का जी, दूसरा वहाँ पंजाब में। यहाँ भी राशन उठाती है, वहाँ भी उठाती है सरकार के, बिहार सरकार के वोटर आईडी कार्ड भी है। दो जगह मतलब नौकरी भी दो और मकान भी दो, और भारत सरकार के निर्वाचन से ये धोखाधड़ी करता है। धोखाधड़ी करता है मतलब बिहार सरकार और पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ये धोखेबाज आदमी है, बहुत धोखेबाज है। क्या इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? क्या मांग है आपका? मेरा मांग यही है कि रास्ता बन जाए, जो गलती है उसका, जो बदमाशी मुझे कर रहा है मेरे साथ, उसका अन्याय मिले, यही कह रहे हैं सर। पड़ोसी लोग जो है रास्ता के बारे में बोल रहे हैं, सरकारी जमीन है और ये जो है रास्ता अवरुद्ध नहीं बनने देते हैं, क्या इस पर कहना? रास्ते पर मिट्टीकरण हो चुका है और मेरे चौहद्दी से आगे निकल चुका है रास्ता। आपके चौहद्दी में आगे जो लोग रोके हुए हैं वो मेरा नहीं, उन्हीं का दियाद है और दूसरे लोग हैं। क्या नाम मेरे है? बिरजू राय मेरा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? बरहटा के रहने वाले हैं। कितना वार्ड? 13 है। और दूसरा उनका आरोप है जो मतलब एक ही व्यक्ति बिरजू जी दो पद पर नौकरी कर रहे हैं। जो मैटर सर सरकार कार्यालय की है, हाईकोर्ट की है, वहाँ चल रहा है वो मैटर, चल रहा है वो जी। आप कहाँ कहाँ बसे हुए हैं? आपका मकान मंगराठा में है और फिर और कहीं है? बंगटा में आप, मेरा मकान है, मैं बंगटा में यहाँ रह रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं सर, समाज देख रहे। तो फिर पंजाब का एक मामला आ रहा था। पंजाब का मामला इसलिए आ रहा है कि हमारे माता पिता प्रवासी मजदूर थे, सब दिन वहाँ रहकर मजदूरी किए, हमारा भी पालन पोषण वही हुआ, ग्रेजुएशन तक की परीक्षा भी हम वही दिए, पढ़ाई वही की है, स्वाभाविक है कि हम वहाँ मजदूर के रूप में रहे हैं। दो जगह का पहचान पत्र रखे हुए हैं, होगा तो उसको हटा दिया गया होगा या हटा दिया जाएगा वहाँ, हम तो नहीं गए थे दिलवाने। दो जगह नौकरी भी करते हैं? जी नहीं, एक ही जगह नौकरी। शिक्षक हैं और रोजगार सेवक? शिक्षक हैं, रोजगार सेवक हम पहले थे। कब से कब तक रोजगार सेवक थे? रोजगार सेवक हम जब तक थे। कहाँ कहाँ थे मतलब वर्ष कौन से कौन सा कौन सत्र क्या वर्ष कुछ होगा ना? ये आप में ये आ गया दूसरा मैटर आपका। फिलहाल तो मैं घर के बारे में पूछ रहा हूँ कि आप मेरे घर पर आए, मेरे घर का फोटो खींच रहे थे, उसका क्या बात है? रास्ता के मैटर पे रास्ता के मैटर भी पूछो, हम ये मामले के लिए आगे हम कोनो कमेंट नहीं करेंगे सरकार। मामला है जो मनोज साफी के घर के पास रास्ता का मामला है, इसमें क्या आपको कहना है? वो जो सरकारी नापी हुआ था ना, वहाँ से रोड बिरजू राय बनने नहीं दिया, उसके तीन हाथ हट के ही मिट्टी गिरवाए हैं, उसमें भी अवरुद्ध कर रहा था, गाली गलौज सुन करके वो मिट्टी गिरवाए हैं, इससे ज्यादा अब हम क्या कहें। वो योजना आप ही करवा रहे थे क्या? हम ही करवा रहे थे। कौन से विभाग से? वो सात निश्चय योजना था। तो अभी तो ये पिछले पंचवर्षीय का था। अभी जो फिलहाल जो बिरजू राय है उनका कहना है कि यहाँ तो हम काम करवाने के लिए जो काम कर रहा है वही छोड़ दिया, हम अपने नहीं, नहीं, तो छोड़ दिए। अभी तो फिलहाल हम छोड़े हुए हैं, लेकिन जो अवरुद्ध किया था शुरुआत से लेकर अभी तक जो मिट्टी गिरा उसमें भी बिरजू राय ही किया था। बिरजू राय अभी क्लियर कट शब्दों में बता रहा है कि जहाँ तक मिट्टी गिरा है यहाँ तक हमारी जमीन है, हमर दो दियाद का दोनों दियाद हम बनाने दे दिए, आगे आगे वाला विरोध कर रहा है जिसके कारण सड़क नहीं बन रहा। नापी करवा के सुनिए, नापी करवा लिए, एक बार नहीं तीन बार नापी हुआ है, अभी जितना रोड जहाँ से रोड बन रहा है वो भी जो है सो दूसरे की जमीन में बन रहा है,
प्रॉपर रोड का जमीन जो अब निकला हुआ था, जो अमीन निकाल के दिया था, उसमें भी तीन हाथ छोड़ के ही बनाए हैं। आगे जहाँ रुका हुआ है बोल रहा था हमारा जमीन नहीं है, इससे आगे हम तो उसका जमीन और पीछे है तो छोड़ के बनाए हैं। बोला जो क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह। और आप क्या है? वार्ड सदस्य है वार्ड 13 का। वो नहीं, जहाँ से रोड बन गया वहाँ आप पीछे साइड में वो अपन जमीन उसका है, यही ना आपका कहना है कि उसका जमीन छोड़ के बनाए हैं? मैंने जो जमीन रोड का था वो भी छोड़ दिए, वो भी नहीं बनने दे रहा था। तो आपका रोड आगे तक बढ़ गया उसके घर से आगे तक? अभी अब तो उसका कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं। तो अब काम काहे नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर जिस स्थिति में बना है अब तक वहाँ जो रोड बना हुआ है वहाँ तक कहीं कोई विरोध नहीं किया, तो आगे वाला विरोध नहीं करेगा तो रोड तो बन जाना चाहिए। आगे वाला विरोध हो गया था इसलिए मिट्टी बरकर रुक गया है। तो अब इसमें बिरजू राय का तो कहीं से कोई दोष नहीं है? अभी बिरजू राय का अभी नहीं दोष है, शुरुआत में उस समय दोष था, लेकिन अभी तो यही ना बिरजू राय का कहना है कि जहाँ तक मेरा जमीन है उससे आगे तक रोड बन चुका है। हम भी तो वही कह रहे हैं, जो सबसे पहले नापी हुआ था रोड, पिछले पंचवर्षीय का जो पैसा है इस पंचवर्षीय में खर्च हो रहा है, क्यों? बिरजू राय की वजह से, नहीं तो रोड तो अभी तक बन गया होता। अभी जो मिट्टी वर्क बाकी है वो भी रोका गया है, बिरजू राय नहीं रोका है। हाँ, जगह छोड़ के तो हम बोल रहे हैं, जगह छोड़ के बनाए हैं। अब क्या, अब तो जो हो गया सो तो हो गया, अब तो मिट्टी वर्क होगा, जो आगे रोका हुआ वही करेगा। आगे अब कौन रोक रहा है? अभी जिसका जमीन है, निजी जमीन है ना, निजी जमीन पे रोड अब आगे जो बनेगा वो निजी जमीन पे बनेगा। थैंक यू।